आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके कन्वर में जो इम्पैक्ट लाइटर यूज होता है वो कौन से पोजीशन में लगाए जाते हैं, इम्पैक्ट लाइटर का बेनिफिट क्या रहता है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो को करूं शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करने के लिए मत भूले। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले इम्पैक्ट लाइटर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपके कन्वर में जहां पर अभी आपका इनकमिंग चूट रहता है, इनकमिंग चूट के नीचे कन्वर के पास में आपका इम्पैक्ट लाइटर लगा रहता है। नॉर्मली आपके कन्वर में टेल पुली के पास जो आपका इनकमिंग चूट रहता है वो रहता है, तो इनकमिंग चूट के नीचे में कन्वर के नीचे जो आइलर लगा रहता है वो इम्पैक्ट लाइटर लगा रहता है। नॉर्मली इम्पैक्ट लाइटर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, नॉर्मली ये कैरिंग आइलर की तरह ही रहता है, लेकिन कैरिंग आइलर में प्लेन रहता है, जो भी आपका आउटर सर्फेस मेटेरियल रहता है वो प्लेन रहता है। आपका जो इम्पैक्ट लाइटर रहता है वो कैरिंग आइलर के ऊपर में एक रबर का कोटिंग का सरफेस लगा दिया जाता है, जिससे बेनिफिट क्या होता है, कोई भी शॉक लोड जब उसके ऊपर में पड़ता है वो इजीली वो शॉक लोड को अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आपका जो इनकमिंग चूट रहता है इनकमिंग चूट से आपके कन्वर में मेटेरियल आते रहता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्लो मूवमेंट से मेटेरियल आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मेटेरियल कैरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी आपका आइलर का बेयरिंग होता है उसको डैमेज हो सकता है, या तो आपका जो आइलर रहता है वो भी बेंड हो सकता है, तो वो सब आप नॉर्मल लोड या तो जार्क लोड या तो ज्यादा वाइब्रेशन वाला लोड को कैरी करने के लिए आपके कन्वर में इम्पैक्ट लाइटर का यूज किया जाता है। तो इम्पैक्ट लाइटर यूज करने से आपका बेनिफिट क्या रहता है, इसका लाइफ लॉन्ग रहता है आज कंपेयर टू कैरिंग आइलर, ये ज्यादा शॉक लोड या तो ज्यादा वाइब्रेट लोड या तो आप नॉर्मल लोड को भी कैरी कर सकता है इम्पैक्ट लाइटर, और इसका लाइफ सेल भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वजह से इम्पैक्ट लाइटर का यूज किया जाता है आपके टेल पुली के पास जहां आप नॉर्मल लोड रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आए या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। उसके साथ साथ आप कमेंट जरूर कीजिए मेरे वीडियो में आप आगे देखना क्या चाहते हैं, या तो मेरे वीडियो में क्या मिस्टेक हो रहा है या मैं कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूं, तो वो सब पॉइंट के बारे में जरूर मेरे कमेंट में बताइए। हो सकता है कुछ पॉइंट से मैं भी कुछ जानकारी ले लूं।